भाई लोग, हम आप लोग के स्वागत कर रहल बानी न्यूज तक भोजपुरी के इंटरव्यू शो में। और आज हम बानी फिर नमक हराम के शूटिंग सेट पे, और आज आपसे हम बात कराइम कौशल शर्मा जी से, जे ए फिल्म में पिता के किरदार निभावत। कौशल शर्मा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमारे न्यूज तक भोजपुरी इंटरव्यू शो में। प्रणाम भाई, सबसे पहले भोजपुरी इंटरव्यू शो के प्रणाम करता नहीं, और ये चैनल के माध्यम से सब लोग के कहता नहीं कि अगर लाइव सब्सक्राइब और हो का कहल जाला बटन जरूर दबाए। हाँ, हमनी के शूटिंग करता नहीं सन बलिया के धरती पर चितबरा गांव। चलिए आप बलिया के नाम ले लें, बलिया से ही हम शूटिंग के नाम पूछम। बलिया में काम करे में आपके मजा होता? बहुत मजा होता भाई, और बहुत आनंद आवता। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा बा रहे, मन बलिया के लोग आपके सपोर्टिंग करता। हाँ हाँ। अच्छा, फिल्म के बारे में आप कुछ बताएं, फिल्म कैसन बा, मतलब कौन फील्ड में बनाता है? फिल्म पारिवारिक फिल्म बा, और अभी हम ज़्यादा कुछ ना बता सकता नहीं क्योंकि फिल्म शूटिंग के दरमियान बा। लेकिन इतना जरूर कहता नहीं कि ये फिल्म रोड़ा घर में बैठ के सबके साथ देख सकता नहीं। मतलब आप ये फिल्म में पिता के किरदार भी करते नहीं? जी जी, साफ सुथरा फिल्म बा, और हम ये फिल्म में बाबूजी के किरदार में बने। अच्छा, जे में मेन लीड के करता? इसमें बरन कुंदन भारद्वाज जी बरन, आशी तिवारी जी हैं, और कौशल शर्मा जो मैं हूँ, और बाकी कलाकार लोग हैं। अच्छा, ये बताइए आपके काम करने में जैसे कौशल भैया के संगे मजा आता है, या फिर कुंदन भैया के संगे, या फिर आशीष तिवारी जी के संग? कौशल शर्मा तो आप हैं, हम ही हैं, और आशीष तिवारी जी एक मजे हुए एक्टर हैं, कुंदन जी भी एक मजे हुए एक्टर हैं, तो हमको दोनों आदमी के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आपके हम असिस्टेंट डायरेक्टर आपसे जिससे कल बात करूँ, तो कल हमको वो चीज मिलुए कि भोजपुरी एगो बिगड़ा रूप हो चुकल है, जिसमें अशिक्षित असामाजिक लोग भी जो गाना गाता तुरंत स्टार हो जाता, वहाँ लोग को फिल्म मिले लगाता। आप तो अभिनेता के तौर पर बेतौर काम करते नहीं, चूँकि आप सिंगर तो रहल बानी ना। हमरा से सिंगर के बारे में मत कमेंट करो, अगर तारा पास कोनो कलाकार के बारे में पूछे के तो बता सकता नहीं, चूँकि हम सिंगर तो हई ना, तो हम ए बीच में केहू के ना गलत कह सकते नहीं ना सही कह सकते नहीं। हाँ, बात ये बा कि चीज जौन परोसे के चाहिए समाज के सामने, वो अच्छा परोसे के चाहिए। अच्छा, आप समाज के बात करने के, समाज के सामने अच्छा परोसे के चाहिए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री जी आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत नेपाल में भी चलेला, लेकिन आज का रीजन बा कि भोजपुरी सिनेमा विश्व स्तर पर पहचान नहीं बना पाओ, चूँकि वे अगर अदर इंडस्ट्रीज के देखा जाओ, तमिल, तेलुगु, मलयालम जो छोटा छोटा राज्य बाड़े से, उनमें के कलाकार जो बाड़े विश्व स्तर पर पहचान बना लेते हैं, जैसे बाहुबली भी अभी फिलहाल फिल्म पुष्पा आए भी, और ओका पहले कुछ दिन पहले आए रहे जय भीम, आज तो वो आस्कर में भी जा चुकल भी है, और कहाँ का कारण बा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री अपन विश्व स्तर पर पहचान नहीं बना पावत? देखा, ऐसा बात बा, बात हर कहल जाए बा, और विश्व स्तर पर पहचान बा हमने के, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, बसरते रहल कि वो हिसाब के जो सिनेमा बा कंटेस्ट बा वो कंटेन होके के चाहिए, ऊपर काम करे वाला वो एक्टर होके के चाहस, और ये बात हकीकत बा कि हमने के तो ये भोजपुरी समाज से जुड़ल बनी सन, आ भोजपुरी खातिर हम ज़्यादातर काम करीला। पहले हम हिंदी करते रहनी है, हम एक्टर बनी तो हम कौनो भाषा में काम करीला, हिंदी, तेलुगु, मलयालम सब भाषा के काम करीला, लेकिन जौन खुशबू हमने के अपन भाषा में बा, जवन भोजपुरी माटी में तो अदर फील्ड में नहीं खेल। अच्छा, आप एक्टिंग के बात करें तो का भोजपुरी में तो जैसे तमाम एक्टर बड़े, मनोज तिवारी जी बाड़े, रवि किशन जी बाड़े, एकदम है, और तो का में मेकर के कमी कहल जी कि जे मेकर अपन खुल के फिल्म नहीं खन दे पावे, जे विश्व स्तर पर पहचान दे पावे? देखा, मेकर के साथ भी कुछ समस्या बा, और समस्या ये बा कि कमर्शियल फिल्म बनावल उनका मजबूरी हो गई बा ना, और अवार्ड खातिर कमर्शियल फिल्म चाहिए ना, तो मान ले कि जौन लागत हो गए, एक तो हमने के बजट छोटा रहेला, माने कम बजट के अंदर हमने के काम करे के बा, लेकिन कम बजट के अंदर ही हमने के अच्छा काम करे के कोशिश। अच्छा, बजट की बात करें तो चूँकि अभी आदित्यनाथ योगी जी के पहल विभाग की हम भोजपुरी सिनेमा खातिर कुछ अलग एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देते नहीं, तो अब तो भोजपुरी के खिल के बनाए के जगह भाई अब हमने के सब्सिडी भी मिलता। सबसे पहले तो बाबा के दिल से आभार व्यक्त करता नहीं हम, और बाबा बहुत अच्छा काम कैले बानी हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर,
और बाबा खाली भोजपुरी के नहीं दे, बाबा हर इंडस्ट्रीज के देते हर इंडस्ट्रीज के सब्सिडी मिलता है। हाँ, लेकिन अब रहल सवाल कि फिल्म तो बनावे के अच्छा ही चाहिए और हर आदमी कोशिश करेला कि फिल्म हमारा अच्छा ही बने। अच्छा ना, आप एगो बात करते हैं हमको थोड़ा सा, जिसे कोनो गायक बाड़े जिसे खेसारी जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, वो डायरेक्ट अभिनय कर लेता लोग, लेकिन जिसे एगो आम करेक्टर आर्टिस्ट जोन होता ओके, आप तो करेक्टर आर्टिस्ट भी हैं शायद। हम करेक्टर आर्टिस्ट हैं। चलिए अच्छा बात बा, तो आपके भी काम मोहल्ले में काफ़ी सुनने की तकलीफ होला, मतलब बहुत पापड़ भी लेके पड़ला, जिसे गायक लोग के जल्दी फिल्म मिल जाता, का आप लोग के जल्दी फिल्म मिल जाता है? ना, ये बात तो हर गलत बा, अगर चाह तारा दिल में रही तो फिल्म मिलवे करी। तू 100% अपना जो भी कलाकार भाई सुनत हुए नामरा की, वो समझ लेस कि अगर वो मेहनत अपन 100% करी है तो उनका काम मिली, अगर उनका काम आवत हुई तो। हाँ, अगर कामे ना आवत हुई तो ओकर बात तो कुछ अलग बा भाई। अच्छा चचा जी, हम जाए से पहले को लास्ट क्वेश्चन पूछम, आज भोजपुरी सिनेमा जगत में बड़े बड़े सिंगर बाड़े हैं, बड़े बड़े कलाकार बाड़े हैं, जी जातिगत के भी ले आओ तो बीच में फलाना फलाना, खैर नाम हम ना लें ना तो कंट्रोवर्सी सवाल हो जी, लोग कमेंट में गाली भी देवे लगे हमनी के। देखो सबसे पहला बात बा कि हम पर्सनली जात पात ना मानी, तो ऐसे जाति के ऊपर कोनो कर, हमनी के एगो समाज बा जौन समाज है भोजपुरी, और भोजपुरी समाज में जाति कहाँ से आ गई यार। देखो ये जिंदगी प्यारे करे खातिर कम बा, नफरत खातिर समय कहाँ बा केहू के पास, हमरा पास तो नहीं किया और कोई के पास हुई तब ना कर सकता नहीं, ऐसे ये विषय पर हमरा से तू क्वेश्चन बेकार करता रह ना। रहल सवाल कि जात पात, तो जात एक एक होला, हम तो जानता नहीं मनुष्य। चलिए चाचा से बात करके खुबी हमने के बहुत मजा आई, आप लोग की मजा आई हुई, अब हमने के जाए से पहले चाचा से बात बोलम कि चाचा का आपके हमने के इंटरव्यू में मजा आई आपके साथ हमने के साथ ना। अच्छा वेल इंटरव्यू तहार, और चैनल के तरल क्या नाम बा चैनल का एक बार फिर, न्यूज तक भोजपुरी, न्यूज तक भोजपुरी के लाइव सब्सक्राइब और बटन घंटी वाला जरूर दबाएं। धन्यवाद, प्रणाम।